आपको क्या लगता है किसको मिलेगा मिस्टर फ्रेशर? अरे हर चीज के लिए दुर्गा ही आ रहा है यहाँ पे। वेलकम बैक, और आज है 16 दिसंबर, ये है मेरा ब्लॉग 13 और मैं हो चुका हूँ, मतलब मैं कर चुका हूँ ब्रश, अब जा रहा हूँ मैं रेडी होने, नहाऊंगा और यहाँ पे ड्रेस दिख रही होगी आपको, प्रेस कर लिए, ये मेरा ब्लेज़र पैंट ये सब प्रेस हो चुके हैं। और आज जैसा कि फ्रेशर्स पार्टी है, मैं आपको 2 दिन से बता रहा था, मतलब हम लोग जूनियर्स को फ्रेशर्स पार्टी दे रहे हैं, सो अब जाता हूँ मैं, रेडी होता हूँ, फिर जाना है हमें ग्लिटर लॉन्च जहाँ पर वेन्यू है फ्रेशर्स पार्टी का। सो रेडी होता हूँ गाइज, और इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, मैं जाता हूँ नहाता हूँ और तैयार होता हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, मिलता हूँ आप लोगों को जल्द। निकल चुके हैं हम लोग रास्ते, और पहुँचते हैं अभी, दिखाएंगे बाल तो है नहीं फिर भी सह लेंगे वो भी, सो स्टे ट्यून्ड गाइज। महफिल को आप सबने यूं मुस्कुरा के सजा दिए। कोशिश की है तो मेरा दोस्त बोलता था कि जुगनू ओसा हाल मेरा तुम पूर्णिमा का चांद प्रिय, जुगनू ओसा हाल मेरा तुम पूर्णिमा का चांद प्रिय, मैं प्राइवेट कॉलेज का छात्र
तुम गवर्नमेंट कॉलेज की क्वीन प्री है, तुम कॉलेज की टॉपर फर्स्ट बेंचर छात्र हो, मैं पूछते नहीं बैक बेंचर छात्र प्रिय। वाह, तुम बीडीसी गार्डन हॉल में एक्सपर्ट प्रिय, तुम बीडीसी गार्डन हॉल में एक्सपर्ट प्रिय, मैं महेंद्र सिंह में उलझा छात्र हूँ। गेम में हमेशा महिलाएं जीतती हैं। कार्यक्रम में हमारे गुरुजन वृंद आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अपने गुरुजन बंधु से आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वचन इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए हम सबको अपने आशीर्वाद वचन प्रस्तुत करें। चल पार्टी है, इसलिए सारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार, और हमारा यही चीज रहती है कि जो भी करो अच्छे से करो, ठीक है। और ये एक मंच रहता है जब सीनियर और जूनियर आपस में एक दूसरे को समझ लें, क्योंकि जो सीनियर और जूनियर की परंपरा रहती है ये हमेशा बनी रहती है। आपके कांटेक्ट में कोई रहें या ना रहें, आपके करंट सीनियर जरूर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वही आपका पथ प्रदर्शित करते हैं। सबको सुनना है ना, जोर पे असल सर के लिए जोरदार तालियां सर प्लीज। देखो ये मूवमेंट्स जो होते हैं या ये जो टाइम पीरियड होता है ये प्रीशियस होता है और हमेशा हमारे दिल में रहना चाहिए या हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। तो उसी को कोरिलेट करते हुए मैं कुछ चार लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ, ठीक है। हम रहे आना रहे कल है ये प्यार के पल चल आ मेरे संग चल चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी
के लिए तो दो सिनरियों की मुस्कान ऐसी लाजवाब है, सिनरियों की मुस्कान ऐसी लाजवाब है, जब सामने चले जाओ तो प्याज भी बुझ जाती है। वो देना है, देन उनको वापस पीछे जाना है और उसके बाद उनको अपना नाम बोलना है, एंड देन जिस भी सीनियर के लिए उन्होंने एक लाइन प्रिपेयर की है उस सीनियर का नाम बोलना है, देन उसकी लाइन बोलना है, वापस हो जाना है। आई रूल समझ में? किसी को कोई डाउट हो तो एक बार यही पूछ लो, यहाँ आके कंफ्यूज नहीं होना। But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Good afternoon, seniors. मैं मेरी favorite ma'am शिवांगी ma'am के बारे में बोलना चाहूँगी। ma'am आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत good looking। Good afternoon, everyone. मेरा नाम शाश्वत। मेरे सबसे फेवरेट सीनियर सर है संदीप चौधरी सर, हालांकि वो दिख नहीं रहे, काफी फ्रेंडली सर है सर और सर का नेचर काफी सही है, हेल्पफुल है और बहुत। हेलो, गुड इवनिंग ऑल सीनियर्स। मैं आपके बारे में कहना चाहूंगी कि आप सब लोग बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो, बहुत ज्यादा। और मैं स्पेशली कहना चाहूंगी साक्षी कुमार मैम के बारे में। तो साक्षी मैम के बारे में कहना चाहूंगी, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ज्यादा वंडरफुल है, बहुत जॉली पर्सनालिटी है। और जब डांटने की बारी आती है, जब कुछ हम गलती कर देते हैं तो वो हमें डांटती भी है एक बड़ी सिस्टर की तरह, और प्यार दिखाना होता है तो बहुत प्यार भी दिखाती है। लव यू मैम। और जब जूनियर्स की चोटी बनानी होती है तो मैम सबसे पहले आती है। और मुझे ऐसा नेचर सही लगता है और वो हमारे जिम ट्रेनर जिम पार्टनर भी है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल सीनियर्स। मैं आज शिवानी मैम के बारे में बोलना चाहूंगी, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। शिवानी मतलब जुल्फे 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 हो रही है आजकल, तो इतनी जुल्फे बिखरा रही हो, देख के चलना किसी का विकेट ना गिरे। और दूसरी बात, सूर्यांश मेहरा की क्लास में इंपॉर्टेंस वो है जो टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की है, ऑलराउंडर ऑफ द क्लास।
मैं एक्चुअली दो लोगों के बारे में बोलना चाहूंगी, सॉरी, साक्षी कुमार मैम और सौरभ सर। एक्चुअली इन लोग के बीच में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, ये दोनों मुझे बहुत बहुत सपोर्टिव और बहुत हेल्पफुल लगते हैं। मतलब कुछ भी हो हमेशा आगे रहते हैं कुछ भी हेल्प करने के लिए। और मेरे फेवरेट सत्यम उपाध्याय सर, उनके बारे में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि बॉयज में कमी मिलती है कि वो एक काफी अच्छा खाना बनाते हैं, आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, जो रैंडम आंसर देना है, जो भी सबसे पहले मन में आ रहा है वो उसको बोलना है। ये जिस चीज़ में मैं हूँ एज एन, मुझे लगता है यही सबसे बेस्ट है। और आई थिंक मैं क्वेश्चन थोड़ा समझी नहीं हूँ, बट जितना मुझे समझ आया है मुझे लगता है कि मैं यही रहना चाहूंगी, बिकॉज शायद से ये एक गिफ्ट है, एक गर्ल होना या फिर एक फीमेल बनना, ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं यही रहूँ हमेशा। और इसके लिए मैं ये सोचती हूँ कि दोनों चीज़ें इक्वल है, बट फिर भी लड़की होना ज़्यादा बेटर है क्योंकि काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा करने मिल जाती है।
आपको क्या लगता है किसको मिलेगा मिस्टर फ्रेशर? अरे हर चीज के लिए दुर्गा ही आ रहा है यहाँ पे। तो मिस्टर फ्रेशर का अवार्ड चाहता है अक्षय पिप्पल। जल्दी जल्दी जल्दी